आज हम लोग कार्बन रजिस्टर पर कुछ सवाल को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए करेंट ऑफ 2 mA इज पास थ्रू ए कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विद फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ येलो ग्रीन एंड ऑरेंज कलर्स, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, पहली पट्टी येलो है, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 4 है। दूसरी पट्टी ग्रीन है, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 5 है। तीसरी पट्टी ऑरेंज है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो 3 है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है एक रजिस्टर, उसमें 2 mA की करंट बह रही है और कलर कोड ये दिए हुए अनुसार है। तो कहा जा रहा है व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वी इज प्रोवाइड टू आर होता है, कलर कोडिंग से आर हम लोग निकाल लें और करंट दिया ही हुआ है आई मिली एम्पियर में, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कलर कोड के हिसाब से हमने आपको बताया था कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10^c। ए फर्स्ट रिंग है तो ये 4 हो गया है ना, येलो का करस्पॉन्डिंग 4 हो गया। ग्रीन सेकेंड रिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग 5 हुआ, सेकेंड फिगर सिग्निफिकेंट फिगर। और 10^c ऑरेंज के लिए 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिया गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इज इक्वल 45 × 10³ ओम के बराबर हो गया। और करंट दिया हुआ 2 mA 2 × 10⁻³ A, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट कम्स आउट टू बी 90 वोल्ट। एक छोटा सा सरल सा एग्जांपल है, बट इसमें कार्बन रजिस्टर का कलर कोड अगर डी कोड करने अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे, इसलिए डी कोडिंग समझ लें। दूसरा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेस्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम के बराबर है, इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा यदि इसको एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाए, है ना, इसकी ओरिजिनल लेंथ का एन टाइम्स अगर स्ट्रेच कर दिया जाए तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया। इस प्रश्न में कहा गया कि एक वायर जिसकी लंबाई एल के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है। अब इसमें फिजिकल चेंज क्या किया जाता है, फिजिकल चेंज ये कि इसको स्ट्रेच करके नई लंबाई एल डैश प्रदान किया जाता है जो पुरानी वाली लंबाई एल का एन टाइम्स है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू हाउ मच। तो आप जानते हैं कि किसी भी सॉलिड में रीमोल्डिंग के कारण कुछ ऐसी चीजें हैं, खासतौर से वॉल्यूम देखिए वो अनचेंज रहती है, या यू कह सकते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग रीमोल्डिंग ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू लेंथ हो जाएगा, और नई दशा में क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश इंटू लेंथ एल डैश हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब रखिए वैल्यू ए इंटू एल और ए डैश इंटू एन इंटू एल, क्यों, ये एन टाइम्स डेटा फेल हो गया, यहां पर एल कट जाएगा तो देयरफॉर ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए बाई एन हो जाएगा। मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एन गुना घट जाएगा, अगर लंबाई एन गुना बढ़ी है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, एन टाइम्स घट जाएगा, ताकि वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा जा सके, ठीक है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है, रो इनटू एल बाई ए होता है, तो पुराना रेजिस्टेंस इतना हो गया, नई अवस्था में रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल रो इनटू एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश हो जाएगा। तो इनको अगर डिवाइड किया जाए आर डैश डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, तो रो रो तो कट जाएगा क्योंकि मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रीमोल्डिंग में जो है मेटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, आप एल डैश बाई ए डैश यहां बच जाएगा और यहाँ एल बाई ए, तो आप यू कह सकते हैं कि एल डैश डिवाइडेड बाई एल इंटू ए बाई ए डैश हो जाएगा। तो अब रख दीजिए एल डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स दैट ऑफ एल है और बाई एल, ए डैश क्या है, ए बाई एन है, तो ए बाई एन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू
ये आपका एन स्क्वायर आएगा, एल एल कट जाएगा, ए कट जाएगा, ये एन पलट करके एन से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आर डैश डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, देयरफॉर आर डैश क्या हो जाएगा, एन ए स्क्वायर टाइम्स दैट ऑफ आर। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर अगर लेंथ में बढ़ोतरी टू टाइम्स अगर आपने किया है तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, तो रेजिस्टेंस फोर टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा से ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ प्रश्न नंबर तीन कह रहा है, सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। कोई सिलिंड्रिकल वायर है उसको 10% उसके लेंथ इंक्रीज किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दिस इज इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज। इस प्रश्न कहा गया है कि एक रजिस्टर है वायर का जिसकी लेंथ एल के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए के बराबर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट किया जा रहा है वो 10% किया जा रहा है, मतलब नया जो लंबाई है वो एल प्लस 10% ऑफ एल, तो 10% ऑफ एल निकालेंगे तो 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह एल प्लस 10/100 into L that is equal to 1.1 of L L dash नई लंबाई। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, घटेगा। तो आपसे ये पूछा गया कि नया रेजिस्टेंस जो है क्या होगा उसमें, मतलब जो इसका रेजिस्टेंस अगर R के बराबर है तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो इस R की तुलना में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले आइए, वॉल्यूम विल रिमेन द सेम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द लेंथ, है ना, वॉल्यूम एक कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर ए इंटू एल हो जाएगा, तो देयरफॉर ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल ए इंटू एल बाई एल डैश हो जाएगा। एल डैश क्या है, नई लंबाई है, ए डैश क्या है, नया क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए जस्ट कतस रखिए, एल जस्ट कतस रखिए, एल डैश क्या है 1.1 इंटू एल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए बाई 1.1। तो नया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए बाई 1.1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, पुराना वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल रो ए टू एल बाई ए हो जाएगा, और नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा आर न्यू, मैं बोल दे रहा हूं, तो दैट विल बी इक्वल रो, मटेरियल तो बदला नहीं है, तो दैट विल रिमेन रो, एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, that is equal to rho into L dash क्या होगा 1.1 into how much L divided by A dash क्या होगा, A divided by 1.1, that is equal to 1.1 square into rho into L by A, लेकिन rho into L by A क्या है, पुराना वाला resistance है, तो जो new resistance है R new is equal to 1.1 time square into the R old resistance. Therefore, the change in resistance क्या होगा? Change in resistance R new resistance minus R old resistance. So therefore, percentage change in R is equal to क्या होगा? Delta R is the change in original resistance R into 100 कर दिया जाए. तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर इज इक्वल टू आर न्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आर न्यू इज इक्वल टू कितना भैया, आर न्यू 1.1 होल स्क्वायर इंटू आर ओल्ड माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100, ठीक है। तो इसको अगर आप हल करेंगे, आर कॉमन ले देंगे कट जाएगा, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 0.21 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो 21% होगा। तो देखिए, लेंथ में जो बढ़त किया जा रहा है 10% किया जा रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस में बढ़त हो जा रही है वो कितने परसेंट की हो जा रही है, 21% की बढ़त हो जा रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड्स, ठीक है। अमूमन हम लोग के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि सॉलिड्स में केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही फ्लो होता है,
लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, अगर मेटालिक कंडक्टर्स अगर हैं तो उनमें केवल इलेक्ट्रॉन के जरिए जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, लेकिन उसमें अगर मेटल के बजाय अगर सेमीकंडक्टर हो जाए तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक नए तरीके के चार्ज कैरियर्स जिनको हम होल्स बोलते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में जो है आयन्स होते हैं, आयन्स के जरिए, आयन्स के चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और जहाँ तक गैसों की बात है, सामान्य तापमान और दाब पर जो है गैसें तो बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन अगर उनको अगर आयनाइज कर दिया जाए तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों जनरेट होंगे और दोनों के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, एक ट्यूब है जिसमें से हवा निकाल लिया गया और एक तरफ एक कैथोड बना दिया गया और एक एनोड बना दिया गया। कैथोड में एक फिलामेंट लगा हुआ, वो गर्म हो रहा है, गर्म होने से उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो एनोड के द्वारा क्या और खींच लिया जाता है। तो जो वैक्यूम ट्यूब में जो चार्ज का फ्लो होता है या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के मीडियम में जो है डिफरेंट टाइप्स के चार्ज कैरियर्स जो है फ्लो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर पूरी तरह से फोकस जो रहेगा मेटल्स के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बहने वाली करंट का, ठीक है। जब किसी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब चलिए आगे उस पर बात करते हैं। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ क्या डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। मैं मेन आइडिया पर आऊं, मेन टॉपिक पर आऊं, उसके पहले एक उदाहरण के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं जिनका यूज हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में यूज कर लेंगे। मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने फ्री फॉल करने की इजाजत दी, ठीक है, और कितनी ऊंचाई से फ्री फॉल करा रहे हैं, 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर की ऊंचाई से फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी यात्रा में जो है हम तीन पैरामीटर्स ले रहे हैं, तीन ही चार चीजों को लिया जा रहा है। एक तो है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, किस रफ्तार से आकर के यहां जमीन पर टक्कर मारेगा, दूसरा है समय कितना लगेगा, और तीसरा है एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी का क्या होगा, और चौथा है डिफरेंस क्या होगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो चलिए यहां पर देखिए, बस छोड़ दिया गया, फ्री फॉल करा दिया गया, ठीक है, वन स्टेप, 100 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, ये जो आइडिया है हमने यहां पर जो है एक बार छोड़ा और सीधे आकर यहां टक्कर हो रही है। तो देखिए समय कितना लग रहा है। अब कैसे निकाला गया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एस जी इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो एस यहां 2000 है, ठीक है, और यू तो जीरो है, फ्री फॉल कराया गया, टी आई डोंट नो है ना, प्लस 1/2 × g = 10 ले लेंगे, टी स्क्वायर, तो ये कट के 5 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। तो समय आपका 20 सेकेंड लगा, और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच, तो u इज इक्वल टू 0 प्लस 2 × g = 10, एच इज इक्वल 2000 अगर कर दिया जाए तो दिस इज इक्वल 40,000 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल 200 स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल 200 स्क्वायर, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
200 मीटर पर सेकेंड से टक्कर मारेगा, यहाँ पर इसकी टक्कर। अगर वन स्टेप में केवल अगर यहाँ पर गिरने दिया गया, फ्रीली गिरने दिया गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं जनरेट होने दिया गया, तो ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, यहां से यहां तक आने में लगा गया समय क्या है 20 सेकेंड होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2000 मीटर के बराबर है और टाइम कितना है 20, तो 2000 बाई 20 करेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 200 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी। अब हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, यहाँ सीढ़ी नुमा रास्ता बना दिया, सीढ़ी नुमा रास्ता बना दिया, बाल को यहाँ से छोड़ा, बाल यहाँ टर्न हुआ रुक गई, फिर धीरे से यहाँ पर टर्न हुआ रुक गई, फिर ये कुल 100 स्टेप्स है। तो ये पूरा 2000 मीटर की डिस्टेंस को हमने 100 स्टेप्स में बांट दिया। तो हर स्टेप पर यात्रा क्या हो रही है, नई शुरू हो रही है। तो 2000 में आप 100 से डिवाइड करिए तो 20 मीटर हो जाएगा। तो यह 20 मीटर है, यह 20 मीटर है, तो यह यात्रा, फिर यह नई यात्रा, फिर आगे नई यात्रा। तो जिस रफ्तार से यहां स्ट्राइक करेगा उसी रफ्तार से यहां स्ट्राइक करेगा, क्योंकि यहां पर 100 स्टेप्स है तो 99th स्टेप पर जब गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी रहेगी, फिर 20 मीटर की यात्रा करके आकर के यहां पर स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर टकराने की रफ्तार अगर आप कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट ये जो है 20 मीटर ले लिया जाए, एक्सेप्शन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लिया जाए, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ होगा और यहाँ पर भी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा। समय जो लगेगा, बार बार टर्न टर्न हो रहा है, यात्रा रुक जा रही है, जिससे समय यहां से यहां तक आने में 200 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और फिर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। यात्रा पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2000 मीटर, समय कितना लगा 200, तो 2000 बटा 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप दोनों का डिफरेंस स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, उनके बीच का डिफरेंस क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर मान लीजिए 1000 स्टेप्स अगर ले लिए जाए तब क्या होगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, टाइम 2000 सेकेंड लगेगा, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 1 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 1 स्टेप है, यहाँ 100 स्टेप है और यहाँ 10,000 स्टेप्स है, तो परिवर्तन क्या हो रहा है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का क्या हो रहा है, वो घटता चला जा रहा है। देखिए पहले 200 मीटर पर सेकेंड था, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम का क्या हुआ, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, 20 से क्या हो गया 200 सेकेंड हो गया, फिर 2000 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी घटता चला जा रहा है, 100 है, 10 है, फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या दोनों में, किसमें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो भी घटता चला जा रहा है। ये तो 10,000 स्टेप्स की बात हुई, अगर 1,000,000 स्टेप्स ले लिए जाए तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत वेरी 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 स्लो हो जाएगा और ये डिफरेंस भी बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हमने वैसी व्यवस्था किया गया है कि यहां पर जो है टक्कर हो, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा संख्या में, अगर टक्करों की संख्या बहुत ही ज्यादा अगर आप कर दें, मतलब मैंने 1,000,000 किया, आप मान लीजिए 1,000,000,000 कर दिए, है ना, मतलब 2000 मीटर गिरना है लेकिन 1,000,000,000 बार टक्कर करके स्टेप्स में अगर वो आएगा नीचे, तो आपको ये बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। भाई यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन करना चाहिए, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई महसूस होनी चाहिए, लेकिन टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा कर देने से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कॉन्स्टेंट रफ्तार से आ रही है, ठीक है। अगर टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो आपको वो एक्सेलरेटर मतलब वेलोसिटी के बढ़ते हुए हिसाब किताब से आते हुए नहीं महसूस होगी, वो लगेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है। अच्छा बताइए यहां पर कौन सा फोर्स है ये खींच रहा है इसको, वो है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब इसी से मिलती जुलती घटना जो है कंडक्टर्स में भी होती है, है ना, कंडक्टर्स में भी होती है। आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर ए भी एक कंडक्टर है, इसके सिरों के बीच में जो हमने एक सेल लगा दिया, सी नाम का सेल लगा दिया,
तो सी नाम का सेल क्या करेगा, इसके एक सिरे को पॉजिटिव कर देगा और एक सिरे को निगेटिव कर देगा, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और आप जानते हैं कि कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेतहाशा ज्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, तो जिस पिछला वाला उदाहरण हमने दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण फील्ड जो है नीचे की तरफ लगा था, उसी तरह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इन निगेटिव चार्जेस पर फील्ड किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो Q इंटू E के बराबर जो है फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर इधर की तरफ लगेगा। तो ये फोर्स करेगा क्या, इसको एक्सेलरेटेड मोशन करने के लिए बाध्य करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम की बनी हुई रॉड है, तो एल्यूमिनियम के एटम्स इसमें उपस्थित है, तो जब ये चार्ज चलने की कोशिश करेगा तो उन एल्यूमिनियम एटम से टक्कर होगा। और दूसरी बात जो है, बहुत ज्यादा संख्या में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उपलब्ध हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से भी उनकी टक्कर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगा दिया तो ये बड़े आराम से अपनी यात्रा करेगा, ऐसा नहीं होगा, इसकी बार बार टक्कर होगी। देखिए टक्करों को मैंने यहां पर दिखाया कि यहां पर टक्कर हुई, फिर यहां गया, फिर टक्कर यहां हुई, फिर यहां टक्कर, ऐसे ऐसे टक्कर बार बार होते होते अंत से यहां से निकल जा रहा है। तो यह टक्करों की संख्या अरबों खरबों से बहुत ज्यादा होगी, 10^23 के रेंज की होगी। क्यों, क्योंकि वन मोल क्या होता है, 10^6.022 × 10^23 होता है। अगर यह रॉड 27 ग्राम की भी अगर है एल्युमिनियम की, तो इसमें वन मोल पार्टिकल्स हैं, एल्युमिनियम एटम्स हैं, तो बार बार टक्कर होगी। तो जो बार बार टक्कर होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को जिसको यहां से यहां तक आने पर बेतहाशा रफ्तार गेन कर लेना चाहिए था, यह बेतहाशा रफ्तार नहीं गेन कर पाएगा, बहुत ही हाई वेलोसिटी गेन कर लेना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि लाइट की रफ्तार के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि यहां जब इलेक्ट्रॉन ये चलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन चलता हुआ जो महसूस होगा, उसकी रफ्तार होगी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड और 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस बात पर निर्भर करता है कि कितना वोल्टेज लगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यह वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं ज्यादा हो पाती है, क्योंकि बार बार टक्कर होती है, जिसके कारण जो है इसकी रफ्तार बहुत ही कम महसूस होती है। तो इस कंडक्टर में बार बार टक्कर होने के कारण आपको इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट रफ्तार से चलता हुआ महसूस होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा है ना कि टक्करों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो आपको बॉल लग रहा है कि वेरी एकदम कांस्टेंट रफ्तार से नीचे आते हुए महसूस होगी। हालांकि टक्करों के बीच में एक्सेलरेटेड होगा, लेकिन टक्करों की संख्या जब बढ़ा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहां तो अरबों खरबों की संख्या में टक्कर हो रहा है, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कांस्टेंट रफ्तार से चलते हुए महसूस होंगे, जिसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कोई पूछेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या अर्थ बताइए, तो आप सिंपल बोलिए दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स बाय विच The charges migrate in the conductor from one corner to the other corner of the conductor when the conductor is subjected to an external electric field. ठीक है, और what is the why the magnitude of drift velocity is very low, है ना? तो इसका जवाब क्या होगा, while migration of the charged particles, the number of collisions of the charged particle with the host material atoms and electrons themselves is too large in number, है ना, संख्या भी इतनी ज्यादा है कि उसको एक्सेलरेट होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो लगता है कि ये कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, जो कि बहुत ही कम रफ्तार है, उस कांस्टेंट रफ्तार से जाता हुआ महसूस होता है, और उसी रफ्तार को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एक्चुअली इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बोल करके ड्रिफ्ट स्पीड बोलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप एंड ट्रस्ट दैट यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड इज द एवरेज स्पीड थ्रू विच चार्ज पार्टिकल्स माइग्रेट इन द कंडक्टर फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर। ठीक है, लीडिंग टू द फ्लो ऑफ द करेंट थ्रू द कंडक्टर वेन The conductor is subjected to an external electric field. ठीक है,
इतना आइडिया क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो इसमें चार्जेस ज्यादा बहेंगे, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम होगा तो कम बहेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक और निकलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, और ये एक प्रश्न के रूप में सीबीएसई बोर्ड में लगभग, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों में जो है लगभग हर अल्टरनेट ईयर्स पे पूछा जाता है कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले अटेम्प्ट करेंगे, आज यही स्टॉप कर देते हैं।